गया। चलो पॉज क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज कौन सी है पुरानी बुक की 13.1, नई बुक में होगी 12.1। ये कहता है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स कितना गिवन है? एफ एक्स गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, ये फंक्शन है और आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स ये फाइंड करनी है। ठीक है, देखो बच्चों जरा, देखो जरा क्या होगा बताओ क्या करें। हाँ, हमें वन पे लिमिट फाइंड करनी है और लिमिट में ही वन पे फंक्शन अपने डेफिनेशन चेंज कर रहा है। वन पे हमें लिमिट निकालनी है, वन पे फंक्शन अपने डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे वन पे एल एच एल और आर एच एल दोनों ही निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू वन। बताओ एल एच एल क्या होगी? एल एच एल इज x extends to 1 minus x 1 को अप्रोच करेगा, कहां से करेगा? लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा। यस, x इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये 1 है, x 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। इन दैट केस बहुत जल्दी आया, बहुत जल्दी आया, x विल बी स्मॉलर देन 1 है ना। एक्स से मेरे बोल के क्या बता रहे हैं, आ जा बेटा जल्दी आ जा। इफ एक्स इज स्मॉलर देन 1 एफ एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स को यहाँ पर 1 डालेंगे सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0 है ना। आर एच एल फाइंड करेंगे तो क्या होगा? आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू सायरा, बताओ क्या होगा? एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस एक्स वन को अप्रोच कर रहा है कहां से? राइट हैंड साइड से। एक्स क्या होगा भी? वन से बड़ा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स के जगह क्या डालना है? फिर से वन डालना है तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस में वन तो इतना आएगा, ब्रैकेट के अंदर से माइनस टू आएगा और बाहर माइनस लगा है प्लस टू हो जाएगा। तो क्या है बच्चों बताओ क्या है? हाँ, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। एल एच एल क्या नहीं है? एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। सायरा, जब एल एच एल और आर एच एल इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होता है? सायरा, जब एल एच एल और आर एच एल इक्वल नहीं होता तो क्या होता है बेटा? तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, हमारा वो काम गया भी, आइसक्रीम सैंडविच तो वहाँ दिख गई, हमें वहाँ चाहिए, हम वरना कैसे मैनेज करेंगे इसको, है ना। हमें साइड में चाहिए था उसका आइटम। वेरी गुड, आइसक्रीम सैंडविच था। चलो भाई आगे चलो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स हमें फाइंड करनी है, और एफ एक्स हमें गिवन है। एफ एक्स हमें क्या गिवन है? एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है एक्स अपॉन मोड एक्स, एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स होने चाहिए इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। उल्टा है ये तो मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो जरा क्या करेंगे बच्चों। जीरो पे हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स, और जीरो पे ही फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। क्या करेंगे हम? जीरो पे एल एच एल और आर एच एल दोनों फाइंड करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? सायरा बता सकते हो कैसे लिखेंगे इसको? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स इसको अप्रोच कर रहे हैं जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से। अगर ये x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो x विल बी x जीरो को कहाँ से अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से। तो x जीरो से क्या होगा? x जीरो से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा? और x अगर जीरो से छोटा है तो सायरा फंक्शन की वैल्यू क्या है? सायरा x अगर जीरो से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? सायरा फंक्शन x अगर जीरो से छोटा मतलब जीरो के इक्वल नहीं है हमारे इस केस में, और x अगर जीरो के भाई x जीरो से छोटा है इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x जीरो के बराबर नहीं है। और यहाँ पर देखो x अगर जीरो के बराबर नहीं है तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या है? मॉड x अपॉन x, मॉड x अपॉन x। तो यहाँ पर बच्चों आप लिखोगे मॉड x अपॉन x। ठीक है, एक बात और, जब x जीरो से छोटा हो, x जीरो से छोटा हो तो मॉड x क्या होता है? x अगर जीरो से छोटा हो तो मॉड x क्या होता है बच्चों? x अगर जीरो से छोटा हो तो मॉड x की वैल्यू होती है माइनस एक्स, और x अगर जीरो से बड़ा हो तो मॉड x की वैल्यू कितनी होती है? x। अभी हमारे केस में x जीरो का अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो x जीरो से क्या होगा? स्मॉलर होगा, छोटा होगा, और x जीरो से छोटा है तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा? x अगर जीरो से छोटा है, x जीरो से छोटा है तो मॉड x की वैल्यू बच्चों क्या होती है? माइनस एक्स। तो यहां पर आएगा माइनस एक्स अपॉन में x, ये दोनों कट हो जाएंगे, माइनस वन आंसर आएगा। ठीक है, लिख रहे हो का नाम? लिख रहे हो? यस सर, हाँ लिखते रहो। राइट हैंड लिमिट क्या होगी भाई? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, राइट हैंड लिमिट में हम जीरो पे लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो एक्स जीरो को राइट से अप्रोच करेगा, और एक्स अगर जीरो को राइट से अप्रोच करेगा तो एक बात बताओ, एक्स जीरो को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो एक्स जीरो से क्या होगा? एक्स जीरो से बड़ा होगा। एंड एक्स अगर जीरो से बड़ा है, एक्स अगर क्या है? जीरो से बड़ा, एक्स अगर जीरो से बड़ा है ठीक है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो इसका मतलब हुआ कि एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट आकाश, एक्स जीरो से बड़ा है, आकाश कैसा है? जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा। तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव x, नहीं बेटा मॉड एक्स की वैल्यू होगी x। हाँ तो पॉजिटिव साइज है। ठीक है, हाँ हाँ मैंने कब मना किया? मैं तो सायरा को मना कर रहा हूँ। x सॉरी अपॉन x है बेटे, यही बोला था।
बट बेटे मैंने पूछा था कि मॉड एक्स क्या होगा, मॉड एक्स एक्स होगा, इस पूरे की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स आएगी, ये कट हो जाएगा और ये बन आएगा। अब एक बात बताओ, एट एक्स इज इक्वल टू क्या, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है, LHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो लिमिट कैसी होगी हमारी, लिमिट x टेंडिंग टू, बताओ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, fx does not exist, कनव ये समझ आया आपको, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती भाई, जो पहले चल रहा है चेंज, जब पहले चल रहा है चल इक्वल नहीं हो, क्यों रिकॉर्डिंग खराब कर रहा है, क्यों सारी रिकॉर्डिंग खराब कर रहा है, मैं सर पढ़ो सी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगी फंक्शन क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु ये चैप्टर कब समझ आ रहा है, वंस को समझ नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, कम आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx फाइंड करनी है आपको, और fx क्या दिया अभी, क्वेश्चन नंबर क्या है ये बताना, 26, क्वेश्चन नंबर 26, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, इजी इजी क्वेश्चन है बस, fx इज इक्वल टू कितना है, fx इज इक्वल टू दिया अभी x अपॉन मॉड x, बस पहले वाले से थोड़ा ही उल्टा है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0, x अगर 0 के इक्वल है फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, एट x is equal to, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट x is equal to 0, सो एट x is equal to 0 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, x 0 को अप्रोच कर रहा है, कहां से अप्रोच कर रहा है x 0 को, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से कर रहा है, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, होगी कि नहीं होगी, x अगर 0 से छोटा है इट मीन्स x 0 के इक्वल नहीं है, और x 0 के इक्वल नहीं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x अपॉन मॉड x, और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि यहां पर फंक्शन की वैल्यू लिखी जाती है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x अपॉन मॉड x, मॉड x कितना होगा भाई, अच्छा एक बात बताओ, x 0 कहां से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो x क्या है 0 से छोटा, x अगर 0 से छोटा है, x अगर 0 से छोटा है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स, तो यहां पर क्या लिखोगे, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। आर एच एल साइरा चल लिखो, चलो आर एच एल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस x 0 को कहां से अप्रोच करेगा भाई, राइट हैंड साइड से, तो x 0 से क्या हुआ, x 0 से बड़ा हुआ, x 0 से बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू फिर से क्या आएगी, मतलब x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू फिर से क्या आएगी, x अपॉन मॉड x, विच इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, अच्छा एक बात बताओ, ये x तो ऐसे ही रहेगा, x अगर 0 से बड़ा हो तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, प्लस x, तो यहां पर मॉड एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। अगेन एट एक्स इज इक्वल टू कहां पर, 0 पे, क्या बोल रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
This implies limit x approaches to 0 fx. क्या नहीं बेटा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती fx does not exist. फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. इसका ये मतलब है जब x 0 को अप्रोच करता है x जब 0 को अप्रोच कर रहा है x 0 की तरफ जा रहा है तो fx की वैल्यू जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है तो fx किसको अप्रोच कर रहा है माइनस वन को. fx इज अप्रोचिंग टू माइनस वन इस पॉइंट ऐसे ठीक है यहाँ पर एक सर्कल बनाना है. और जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट किस पॉइंट को एग्जिस्ट कर रही है जब x 1 को अप्रोच कर रहा है x जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है लाइक दिस. वन होगी नहीं कभी ठीक है. चलो इस टाइप का फंक्शन है चले आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है. लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 कहाँ पर निकालनी है. ऐसे नहीं है सर एक्स पे मॉड है ऐसे नहीं है. एक मॉड एक्स माइनस 5 मॉड एक्स माइनस 5 ये लिमिट कौन बता सकता है. नहीं सर सॉल्व करके पता चल गया. या तो सीधा लिमिट निकाल दो अगर देखो डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 माइनस में 5 5 माइनस 5 0 आ जाता है ना. एलएचएल निकाला था नहीं फुल एंड फाइनल लिमिट निकाल दी. और अगर दोनों लिमिट निकाल के दिखानी है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस क्या होगा अभी x 5 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से तो x 5 से छोटा होगा पर छोटा हो या बड़ा हो फंक्शन की एक ही वैल्यू है. तो यहाँ पर क्या लिखोगे मॉड x माइनस 5 तो x को क्या डालना है 5 माइनस 5 का मॉड क्या होता है 5 ही होता है तो 0 आ गया. और अगर आर एच एल फाइंड करते हो तो कितना होगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस x 5 को कहाँ से अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से. और x अगर एफ एक्स एक्स इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो मॉड x की वैल्यू कितनी होगी. अरे बातें नहीं भाई क्योंकि फंक्शन की तो एक ही डेफिनेशन है तो 5 माइनस 5 दिस इज आल्सो इक्वल टू 0 तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट 5 fx is equal to कितनी है 0 के इक्वल क्वेश्चन है हमारा fx is equal to बताओ fx क्या है ax plus b fx is equal to what ax plus b ऐसा कब है a plus bx है छुट्टी करेंगे दो फोर इफेक्ट इज इक्वल टू 1 फिर तो नींद नींद में कोर्स पूरा होगा दिस ठीक है बच्चों. ये फंक्शन दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स एफ वन के इक्वल है. देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स किसके इक्वल है एफ वन के इक्वल है. आकाश मुझे ही बताएंगे मिस्टर आकाश मुझे ही बताइए कि इस पहले तो इस एफ वन का क्या मीनिंग है ये क्या बला है. बच्चों कोई भी फंक्शन होता है ना वो
भाई हमारे मस्त पड़ोसी हैं, कितना सामान खींचते हैं। मान लो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं कहूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू निकालो आप वन पे, तो आप एक्स को क्या डाल दोगे? वन, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो वन आएगी। मैं आपको कहता हूँ एफ टू की वैल्यू निकालो, ये फंक्शन की वैल्यू निकालो एफ टू, तो आप एक्स को क्या डाल दोगे? टू। तो टू का स्क्वायर कितना आ गया? समझ आया? एक बात और बताओ, तो यहाँ पर एफ वन का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट वन, कनव सर एक बात बताओ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट वन क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट वन क्या है सर? एफ इज इक्वल टू वन। देखो बच्चों यहाँ दिया है क्या दिया है कि जब एक्स वन है, एफ वन का मतलब यही तो है कि एक्स वन हो गया, एफ एक्स में अगर एक्स को आप वन कर दोगे तो वह एफ वन बन जाएगा। मतलब क्या है कि एक्स वन है, एक्स अगर वन है तो बच्चों फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फोर। एक्स अगर वन है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? और ये जो वैल्यू थी ये थी एक्स ग्रेटर देन वन के लिए, तो एफ वन है फोर। तो ये मतलब ये कहना चाहते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स किसके इक्वल है? फोर के इक्वल है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स किसके इक्वल है? फोर के इक्वल है। ये बात समझ आई? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी? अब आप उसको तो भले ही भूल जाओ, इसको याद रखो कि इस फंक्शन की लिमिट क्या है, इस फंक्शन की लिमिट फोर्थ है, तो हम अपनी भी लिमिट निकाल लेते हैं और हमें पता है लिमिट तो फोर है, तो हमारी लिमिट और इनकी लिमिट बराबर होनी चाहिए। वहां से कुछ इक्वेशन वगैरह बनेगी, उनको सोल्व वगैरह करके कुछ शायद एबीसी आ जाए, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो आएगा, जब इतना कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लेते ही रहेंगे फिर, ठीक है बच्चों। तो एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू, हाँ जब इतना कुछ करेंगे तो कर ही देंगे। एट एक्स इज इक्वल टू वन, एल एच एल बताओ बच्चों, एल एच एल क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, मतलब एक्स वन को कहां से अप्रोच कर रहा है? एक्स वन को कहां से अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। और अगर एक्स वन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो भाई लेफ्ट हैंड साइड का तो सीधा रूल है कि एक्स विल बी स्मॉलर देन वन, और हमारी डेफिनेशन में अगर एक्स वन से छोटा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोचा करो, अगर एक्स वन से छोटा है तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन है ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स। ये बात समझ आई है? दोबारा बताऊं, ए प्लस बी एक्स, ठीक है। क्या है? ए प्लस बी एक्स, एक्स को इसमें वन डाल दो, एक्स को क्या डाल दो? वन। तो ए प्लस बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारा दीदी, विष्णु भैया, गुड बच्चों। आर एच एन, आकाश सर, वन सर आप बताओगे एक्स वन को कहां से अप्रोच कर रहा है? राइट हैंड साइड। तो एक्स विल बी ग्रेटर देन वन, एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन तो एफ एक्स कितना है? बी माइनस ए एक्स, बी माइनस ए एक्स। जीरो पॉइंट जीरो नहीं बन रहा तो आप लिमिट सीधा डाल सकते हो बी माइनस ए, ठीक है। कितना? बी माइनस ए। गॉट इट? ठीक है, चलो मैं आगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आ गई। और बच्चों ये हमें दिया हुआ है कि लिमिट किसके इक्वल है? फोर। एक बात बताओ, अगर लिमिट फोर के इक्वल है तो ये एग्जिस्ट तो कर ही रही होगी, तभी तो फोर के इक्वल है, वरना जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो किसी के बराबर कैसे होगी? तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी लिमिट फोर के इक्वल है, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, ये क्लियर है? अच्छा, और अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, और ये दोनों इक्वल है, और जो ये इनकी वैल्यू होती है वही लिमिट होती है, तो इसका मतलब ये दोनों फिर किसके इक्वल है? फोर के इक्वल है। शायद समझ आए? लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होती है वही लिमिट होती है फंक्शन की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वही फंक्शन की लिमिट है, ठीक है।
बट फंक्शन की लिमिट 4 है. दिस इंप्लाइज एज 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 लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट 1 f x एग्जिस्ट. ये लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है. लिमिट x टेंडिंग टू 1 f x एग्जिस्ट करती है. और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिस इंप्लाइज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 f x. LHL और RHL फंक्शन की जो लिमिट है उसके इक्वल होंगे. और बच्चों LHL क्या है? a प्लस बी. और RHL क्या है? b माइनस a. एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू व्हाट 4. समझ आए? तो फर्स्ट और थर्ड से क्या आ गया? फर्स्ट और थर्ड से क्या आ गया यहाँ कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा. एंड b माइनस a किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा. a प्लस बी 4 के इक्वल होगा, a माइनस b माइनस a 4 के इक्वल होगा. अच्छा एक बात बताओ, a प्लस बी किसके इक्वल है? 2b. और माइनस a प्लस बी किसके इक्वल है? ये भी 4 के. ऐड कर दें 2b8. तो 2b8 के इक्वल हो गया. और b कितना आ गया? 4 a = 0. और a कितना आ गया? किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो 0. ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू डाल देंगे तो a 0 आ जाएगा. अगले क्वेश्चन में क्या है? fx इज इक्वल टू x माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए थ्री ए एन. ठीक है, दिस एन बच्चों ए वन ए टू कोई नंबर्स हैं. ठीक है, आपको फाइंड कर दिया लिमिट x टेंडिंग टू ए वन एफ एक्स. लिमिट x टेंडिंग टू ए वन एफ एक्स, ये लिमिट आपको फाइंड करनी है. कैसे करोगे बच्चों? अगर 0/0 नहीं बन रहा है तो फिर सीधा ही डाल देंगे. लिमिट x टेंडिंग टू ए वन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो अगर 0/0 नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट ही डाल देंगे. क्या बन रहा है क्या? यहाँ सेट नहीं होगा, यहाँ भी सेट नहीं होगा, यही जस्ट पता कर रहा था. हाँ तो बच्चों दिस इज व्हाट लिमिट x टेंडिंग टू ए वन. पहले तो इसकी वैल्यू डालो x माइनस ए वन x माइनस ए टू टिल कहाँ तक? x माइनस ए एन. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू ए वन. अच्छा अब लिखेंगे नहीं, ए वन को वहां डाल रहे हो ना आप, ये हो जाएगा ए वन माइनस ए वन इन टू एक्स को यहां पर भी डालोगे तो ए वन माइनस ए टू और ये सब चलता रहेगा. लास्ट में क्या डालेगा? x से जगह क्या डालना है? ए वन माइनस ए एन. समझ आया? यस सर. ठीक है साहिरा, गुड. अब ए वन माइनस ए वन क्या हो गया? 0. ए वन माइनस ए टू डैश डैश कहां तक? ए वन माइनस ए टू. सो दिस इज इक्वल टू 0. ये 0 के इक्वल आ गया. ठीक है, और हमें यही तो प्रूव करना था, सॉरी फाइंड करना था. ठीक है, तो हमें फाइंड करना था लिमिट x टेंडिंग टू ए वन एफ एक्स और ये किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया. ओके, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स. क्या होगी बच्चों ये लिमिट? लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स. एफ एक्स से जगह एफ एक्स की वैल्यू लिखो पहले तो. x माइनस ए वन कर दिया तुमने, x माइनस ए टू फिर कहाँ तक? बढ़ेगी फास्ट तो यार, तो मैं तो पकड़ ही नहीं पाता. आप हर जगह x के जगह क्या डाल दोगे भाई? a डाल दोगे. तो यहाँ क्या आ जाएगा? a माइनस ए वन
ए माइनस ए टू टिल कहाँ तक, ए माइनस ए, बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, थर्टी लिखो बच्चों, थर्टी ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है थर्टी फर्स्ट करते हैं पहले, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाई। बच्चों इस लिमिट की वैल्यू दी हुई है पाई के इक्वल, ठीक है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ एक्स, ये आपको क्या करनी है फाइंड करनी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाई, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ एक्स आपको फाइंड करनी है। ये बच्चों आपको दिया हुआ है कि इस पूरे की वैल्यू पाई के इक्वल है और ये आपको फाइंड करनी है। बच्चों लिमिट का एक बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है, और वो क्या है कि मान लो यहाँ दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, ठीक है, तो लिमिट को आप बाहर पूरे के लिमिट लगी हुई है तो आप इन दोनों का अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो भी है ए, जीरो जरूरी नहीं है, कोई भी लिमिट हो सकती है, तो ये एफ फंक्शन की भी लिमिट है प्लस ये जी फंक्शन की भी लिमिट है, दोनों पे आप अगर आपका मन करे तो सेपरेट कर सकते हो। और सेम रिजल्ट बच्चों एफ माइनस जी के लिए होल्ड करेगा, सेम रिजल्ट एफ अपॉन जी के लिए होल्ड करेगा, और सेम रिजल्ट एफ अपॉन जी के, एफ इंटू जी के लिए होल्ड करेगा, ठीक है, कि दो फंक्शन अगर माइनस में है और पूरे के बाहर लिमिट है तो दोनों फंक्शन पे सेपरेट लिमिट अप्लाई की जा सकती है, मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है तो भी उन दोनों के ऊपर सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, आप इसकी अलग लिमिट लिख सकते हो, इसकी भी लिख सकते हो, रहेगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एफ एक्स के लिए आप अलग लिख सकते हो और जी एक्स के लिए आप अलग लिख सकते हो, एफ अपॉन जी के लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी लिख सकते हो, इसके लिए भी, प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर में जो जिस फंक्शन की लिमिट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप लिमिट सेपरेट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज हमारे पास एक है, इसका हम यहाँ पर फायदा उठाएंगे, ठीक है, इसका हम फायदा कैसे उठाएंगे कि पहले तो हम इस लिमिट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे ही सेपरेट कर देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि न्यूमरेटर पे भी सेपरेट और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होगा ये, तो ये लिमिट दोनों की अलग अलग बन गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाई, और इसको आप राइट में मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हमें परेशान करेगा, तो क्या बन गया बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन और एफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये लिमिट आ गई। अब आप इसको सेपरेट करो, इस ये लिमिट एफ एक्स पे लगेगी, किस पे लगेगी, एफ एक्स पे, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स, ये लिमिट टू पे भी लगेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन टू। अब जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स को आप वन डालेंगे तो यहाँ डालने के लिए कुछ है ही नहीं, टू ही आंसर आ जाएगा क्योंकि वहां पर क्या था, कांस्टेंट था, और कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट बच्चों हमेशा कांस्टेंट ही होती है, क्या होती है, कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है, तो यहां से टू ही आ जाएगा इज इक्वल टू, और अगर यहां आप डालोगे एक्स को वन, यहां डालोगे तो ये पाई इंटू वन माइनस वन हो गया, तो अब क्या आया हमारे पास, हमारे पास ये आया लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स, और इस टू को ले आए हम राइट में तो इधर टू हो गया, और माइनस में ये क्या बन गया बच्चों, जीरो, तो क्या आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टू, इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई, टू, जो कि हमें फाइंड करनी है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे. If x is smaller than 0 and x plus m and x plus m if x is equal to 0 yes nx plus 1 nx plus m. m 0 is less than equal to x is less than equal to 1 and nx cube plus m if x is greater than 1 ठीक है ये दिया हुआ है हमें क्या करना है क्वेश्चन में क्या कहा है क्वेश्चन में ये कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम एंड एन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन एफ एक्स एग्जिस्ट ठीक है किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेंगे एम और एन की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेंगे ये हमसे पूछा है ठीक है पहले हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो के लिए बात करते हैं ठीक है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ठीक है भाई एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स जीरो से क्या है छोटा एक्स अगर जीरो से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन कितनी वैल्यू है एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से तो एक्स जीरो से क्या होगा छोटा होगा जीरो से छोटा होगा एक्स क्या होगा जीरो से छोटा होगा जीरो से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन और एक्स को यहाँ जीरो डाल दो जीरो प्लस एन कितना हो गया राइट हैंड लिमिट क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एक्स जीरो को कहां से अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो कितना हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर अच्छा एक बात बताओ उस केस में एक्स जीरो से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एक्स जीरो से स्लाइटली बड़ा होगा ना जब ये एक्स जीरो को राइट से अप्रोच करेगा इट मीन्स एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो अगर एक्स जीरो से थोड़ा सा बड़ा है तो जीरो और वन के बीच में होगा एक्स ना होगा जीरो और वन के बीच में एक्स अगर जीरो और वन के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है एन एक्स प्लस एम तो यहाँ पर आप यूज करोगे एन एक्स प्लस एम एन एक्स प्लस एम फिर एक्स को जीरो ही डाल देते हैं तो यहाँ से एम आ गया ठीक है क्या आ गया एम ठीक है अभी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई एन राइट हैंड लिमिट कितनी आई एम मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है LHL इक्वल व्हेन LHL किसके इक्वल हो LHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL LHL अगर RHL के इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है ठीक है फॉर तो फॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स टू बी एग्जिस्ट इस लिमिट के लिए एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए एल एच एल मस्ट इक्वल टू आर एच एल दैट इज एम इज इक्वल टू एम मस्ट इक्वल टू एन एम शुड बी इक्वल टू एन इसके एग्जिस्ट करने के लिए एम क्या होना चाहिए एन के इक्वल होना चाहिए राइट या हम कह सकते हैं हमने पूछा था ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एम एंड एन दैट इज फॉर इक्वल वैल्यू ऑफ एम एंड एन
for equal value of m and n, limit x tending to a, f x tending to 0, fx will exist. For m is equal to n, यानी कि m और n की equal value के लिए ये limit exist करेगी. नेक्स्ट, इसी के दूसरे पार्ट में बोला था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगी. एक्स टेंडिंग टू वन, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी. देखो भी, अगर हम वन पे लिमिट निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स. यानी कि इस केस में x क्या होगा, x 1 को कहां से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से. x 1 को कहां से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से. तो x विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, x विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1. और x अगर 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एन एक्स क्यूब प्लस एन, एन एक्स क्यूब प्लस 1. ये समझ आया सारा, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, दिस तो आप डाल दो इसमें प्लस एम. ये एक्स को वन डालोगे यहां पर तो ये एन प्लस एम आ जाएगा. राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस तो कर लीजिए वन माइनस तो ये इसको आर एच एल करोगे, ये एल एच एल नहीं थी फिर, ये आर एच एल थी और ये साथ है ना आर एच एल. ठीक है, एल एच एल, एल एच एल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, एक्स क्या होगा वन से छोटा होगा. ठीक है, एक्स वन से क्या होगा, छोटा होगा. और एक्स अगर वन से छोटा है, x 1 से छोटा है तो 1 से स्लाइटली छोटा होगा x, x 1 से स्लाइटली छोटा है, x 1 से स्लाइटली छोटा है मतलब x 0 और 1 के बीच में है, x 0 और 1 के बीच में है. x अगर 0 और 1 के बीच में है तो एक बात बताओ, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एन एक्स प्लस एम है ना, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एन एक्स प्लस एम. अब यहां पर हम वन डालेंगे, एन प्लस एम आएगा. बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑलवेज. ठीक है, दोनों ही इक्वल है वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एम एंड एन. एम एन की वैल्यू कुछ भी हो, समझ ले. यस, एक समय रह गया वो हम करेंगे बाद में.